शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी रिहा हो गई हैं। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के केस में मुंबई की बायखला जेल में बंद थी। शुक्रवार को शीना बोरा जेल से रिहा हुई। आपको बता दें, इंद्राणी मुखर्जी पिछले करीब 7 साल से जेल में बंद थी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि वो काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। आपको बता दें कि शीना बोरा की हत्या के पीछे इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर का नाम सामने आया था। आइए आपको बताते हैं क्या था शीना बोरा हत्याकांड। 23 मई 2012 को स्थानीय पुलिस को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक शक्त विक्षिप्त शव मिला। सीबीआई ने दावा किया कि यह शीना बोरा का शव है। 21 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामरण राय को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को 3 साल पहले शीना की हत्या और अपराध में इंद्राणी की कथित संलिप्तता के बारे में बताया। 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। 26 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। 19 नवंबर 2015 को इंद्राणी के तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने धर दबोचा। इन सब गिरफ्तारी के बाद शीना बोरा हत्याकांड केस कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के लगभग 7 साल बाद उन्हें जमानत दी। इंद्राणी कितना घुसला था तो जेल में। इंद्राणी कितना घुसला था तो जेल में। आइए अब आपको बताते हैं कौन है इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी मुखर्जी देश की जाने मानी मीडिया हस्ती थी। देश में प्राइवेट टीवी चैनलों को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक पीटर मुखर्जी की पत्नी थी। पीटर मुखर्जी की अगुवाई में स्टार इंडिया देश में स्टार की तरह चमक उठा। इंद्राणी पीटर की दूसरी पत्नी थी, जबकि इंद्राणी मुखर्जी की ये तीसरी शादी थी। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1972 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने साल 1996 में कोलकाता में एक रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू की और इसका नाम रखा INX सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। साल 2001 में इंद्राणी कोलकाता से मुंबई आ गई। उनकी कंपनी स्टार इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट का काम देखने लगी। इसी बीच उनकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई और दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली।